अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मैथ 10 का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, उसके कुछ पार्ट जितने सॉल्व हो सके। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये हम अब अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें से हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व विद द कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इन क्वेश्चन को हल करना है स्क्वायर कंप्लीट करके। तो हम पहले क्वेश्चन की समझ लिखते हैं और फिर आपको। ये पहला क्वेश्चन है 7x² + 2x - 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि इसके अंदर ना दो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, उन दो फार्मूलों को आपने याद रखना है। पहले भी आप पढ़ चुके हो, पहला फार्मूला आपके पास है a + b² ये किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। और दूसरा आपका फार्मूला है जी a² a - b² ये बराबर होता है a² + b² - 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, इन्हीं दो फार्मूलों को अप्लाई करके हमने ये वाले क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो हमारा बीच वाला x² वाला कोएफिशिएंट है, इसके साथ देखना है कि इसके साथ हमारे पास क्या सम्स है। तो x² वाला जो हमारा कोएफिशिएंट है, उसके बाद जो हमारे पास सम्स है वो ये है, वो 7 है। 7 इसका मतलब है किसी चीज का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले आपने इस 7 को खत्म करना है। वो 7 को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको दो साइड में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपने लिखना है डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, पहले डिवाइड 7x², इसके ऊपर आ जाएगा 7 + 2x² 2x/7 - 1/7 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। ये 7 7 से क्रॉस हो जाएगा, आपके पास रहेगा x², उसके बाद आप लिखोगे 2/x (7 - 1/7) उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका सिंपल कोएफिशिएंट है इसको आपने दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देना है, शिफ्ट कर देना है। x² 2/7 ये 1/7 प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो जाकर प्लस होगा, क्योंकि हमारे पास प्लस है। तो हमने प्लस वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है। चेक करें आपने क्या करना है, पहले मसलन a² आपके पास, उसके बाद आप क्या लिखोगे b² + 2 फार्मूले वाला a और एक दफा b, और सामने आ जाएगा 1/7 और ये भी एम्प्टी ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर। स्टूडेंट आपके पास देखो कि आपका पहला जो कोएफिशिएंट है वो x है, x इधर भी 2 के साथ क्या x है, हमें चाहिए 2/7, हमें क्या चाहिए 2/7। तो 2 हमारे पास मौजूद है, हमारे पास 7 नहीं है, तो आप क्या करोगे 1/7 यहां भी रखोगे, 1/7 यहां भी रखोगे, 1/7 यहां भी रखोगे। अब आपने a + b² यानी x + 1/7 का स्क्वायर, और सामने 1/7 का स्क्वायर 1/49, 1/7 का स्क्वायर ओपन होगा तो 1/7 कितना आ जाएगा 49। ठीक है जी, अच्छा जी x + 1/7 का स्क्वायर +1/7 ये आपने 49 को एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी, 7 को 49 पे मल्टीप्लाई करना, आपके पास आ जाएगा कितना जी 7 × 7 = 49, यानी 7 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 49 49 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, आपका आंसर 1 आएगा, 1 से 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको इस तरफ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन जी। अब लिखे जी x + 1/7 और सामने आपका 7 1 प्लस कर देंगे, आपके पास हो जाएगा 8/49। ठीक है जी, अब इसको हमने स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये लें स्क्वायर रूट इसका। ये हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं जी, अब ये देखें जी स्टूडेंट x + 7
और इधर 18 और 49 स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सामने, इसको आपने सिंपल कर लेना, इस तरह बनेगा 2/2 और 7। ठीक है, एक के फैक्टर बनाने लें, जैसे आपके सामने है 2, 2 और 2, यानी ये 2 अलहदा आ जाएगा और ये 2 अलहदा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हमें क्या लगाना है, प्लस माइनस 1/7, इसको उधर शिफ्ट कर देना है, ये 1/7 क्या था, प्लस का था, जब उधर गया तो किस चीज का हो गया, माइनस का, प्लस माइनस 2/2/7 एक्स, ये अब मैं ले लेता हूँ एलसीएम 7, ऊपर आप लिखोगे माइनस 1 प्लस माइनस 1 2/7, इसका मतलब ये वाली सम आपकी क्या है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, लिहाजा आप इसी को क्या यहां लगा दोगे, इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी, हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है जी, ये जरा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इक्वल किसके है, 0 के। उसी तरह आपने देखना है जी, सबसे पहले आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशियंट है उसको आपने रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको ए पे डिवाइड कर दोगे, यहां लिखना है डिवाइडिंग बाई ए, डिवाइडिंग बाय ए बोथ साइड जी, करें डिवाइड जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इक्वल 0, डिवाइड करें जी, ए ए ए और ए, ए से कैंसिल हो जाएगा, पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 4x ओवर ए आ जाएगा, और ए से कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के। सबसे पहले हमने सिंपल जो है इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपने स्क्वायर रूट, क्योंकि मान लो प्लस है तो हमने प्लस स्क्वायर क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, एक दफा ए एक दफा बी और 1, और इसके साथ एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर जी, ए स्टूडेंट आपको पता है एक्स है, इधर भी हम क्या लगा देंगे एक्स, हमें चाहिए क्या जी, के हमें चाहिए 4/a, 4/a, तो 2 हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, 2 भी लगाएंगे और a भी लगा देंगे, यानी यहां भी क्या कर देंगे 2/a, और यहां भी क्या कर देंगे 2/a, और एम्प्टी ब्रैकेट में भी हम 2/a का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर जो प्रिंट करोगे आप, हाँ जी आप लिखोगे जी एक्स प्लस 2/a का स्क्वायर, और इक्वल आपके पास है 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, एक्स प्लस 2/ का स्क्वायर 1, इसमें से a को आप क्या लो लोगे एलसीएम, ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर, और इधर आ जाएगा पास 4 जी। हाँ जी, अब आप क्या करोगे, इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लोगे, क्या ले लोगे जी, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर, आपने कहना जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड जी, लेंगी एक्स प्लस 2/a, इसका स्क्वायर है जी, सामने आप पास है ए स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा a, इस सम को उधर ट्रांसफर कर देंगे, एक्स ये जाके माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल ए। ठीक है, ए का आपने एलसीएम ले लेना है, नीचे वाले का एक्स इक्वल है जी माइनस 2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 और नीचे ए जी, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट नहीं है तो इसका यही सोल्यूशन सेट है।